उत्तराखंड में बारिश के बीच चारधाम की यात्रा करना एक बार फिर से यात्रियों की जान पर भारी पड़ गया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और रविवार को पत्थर गिरने से दो बसों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण घटी ये दोनों घटनाएं रुद्रप्रयाग में हुई हैं। रुद्रप्रयाग में पत्थर गिरने की पहली घटना सीतापुर पार्किंग एग्जिट के पास हुई। यह घटना इतनी डरावनी और भयानक थी कि जिसने भी बस की हालत देखी वह उसे देखकर दंग रह गया। वह ऐसे क्योंकि चंद मिनटों में ही चालक की तरफ वाले हिस्से पर पहाड़ी से बरसे बड़े बड़े पत्थरों और चट्टान के टुकड़ों ने बस को तहस नहस कर दिया था। गरिमत तो यह रही कि बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था और हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। अब आपको रविवार तड़के हुई दूसरी बड़ी घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना तब हुई जब बस सोनप्रिया की ओर जा रही थी और अचानक उसके ऊपर पत्थर गिरने लगे और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पहाड़ी से पत्थर इस तरह गिर रहे थे कि पत्थर बस के शीशों को तोड़कर बस के अंदर तक आ गए और दो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने वाले लोग झांसी और बिजनौर के हैं। दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग में हुई इस घटना को लेकर बस ड्राइवर अनिल प्रसाद बताते हैं कि जब पहाड़ी से उन्होंने पत्थर गिरते देखा तो वह सचेत हो गए। उस वक्त उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत पीछे की ओर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सड़क को खोला गया। उत्तराखंड तक के लिए रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।